नमस्कार, खबर दिनभर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे खबरों की। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बजट सत्र में पूर्व सरकार के काले कारनामों पर सवाल आएंगे। साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छत्तीसगढ़ में आने को लेकर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी राहुकाल में आ रहे हैं। पूरी तैयारी है, क्योंकि अभी तो जो प्रश्न आएंगे वो पूर्व सरकार के काले कारनामों के हैं। राहुल गांधी जी राहु काल में आ रहे हैं। पूरी तैयारी है, क्योंकि अभी तो जो प्रश्न आएंगे वो पूर्व सरकार के काले कारनामों के हैं। राहुल गांधी जी राहु काल में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी राहु काल में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी राहु काल में आ रहे हैं। कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 1 मार्च तक ये चलेगा। 9 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी। इसे लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति पर मंथन हुआ और कल होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 1 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में 9 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी। इसे लेकर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जानकारी दी। द्वितीय सत्र बजट सत्र दिनांक 5 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आहूत की गई है। छत्तीसगढ़ के 6ष्ठम विधानसभा का यह द्वितीय सत्र 9 वर्ष 2024 का प्रथम विधानसभा का सत्र है। इस सत्र में कई मायने में महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रदेश की नई सरकार के बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय होगी। इधर बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष के सवालों के जवाब देने और बजट को लेकर मंथन किया गया। जो कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेल दिया था, उन विकट चुनौतियों के बीच में हमारी सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में नई बजट वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत हम लोग करेंगे, और इसमें निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी एक बड़ी प्राथमिकता के रूप में सामने आएगी। सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी साल 2024 और 25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश करेंगे। 12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। वहीं 14 से लेकर 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। एक तरफ रायपुर में बीजेपी ने अपनी रणनीति पर मंथन किया, दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी क्लस्टर की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, हर लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा जिलों और मंडलों में हमारी योजना का क्रियान्वयन निचले स्तर तक करना है। 7 फरवरी से प्रदेश में गांव चलो अभियान शुरू होगा। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर योजना के अनुसार प्रत्याशियों का चयन करेंगे। हमारी जो विभिन्न योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन हमारे नीचे स्तर तक किया जाना है, लोकसभा के सभी जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, हमारे मंडल पे और बूथ में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम नियत किए गए हैं उन सभी पर और उस योजना को क्रियान्वित करें। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी 11 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। इन नामों पर अंतिम फैसला सीईसी की बैठक में होगा। अब दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी सर? मुझे नहीं लगता, फाइनल हो गई अब। हाँ, जहाँ एक से ज्यादा नाम होंगे तो उसकी फीडबैक ले सकते हैं। तो सीईसी का सर, वो तो सीईसी तय करेगा। सीईसी के पहले सारा फीडबैक लेके सीईसी फाइनल। तो एक तरफ विधानसभा चुनाव में हार का दर्द झेल रही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और लोकसभा चुनाव से इस दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ बीजेपी जीत के उत्साह में होश नहीं गंवाना चाहती, लोकसभा चुनाव में भी जीत का परचम लहराने के लिए जी जान से जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।